ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और इसके फायदे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंप ऑफिस दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला से उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुलाकात की और अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को दिखाते हुए इनके फायदों के बारे में बताया। इससे पहले माननीय मंत्री जी ने किसानों द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने किसान मित्र को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। एक किसान मुझे उत्तर प्रदेश से मिले, वो है बिहार के, खेती उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजनेश चंद्र सिंह। राजनेश चंद्र सिंह करके ये किसान है, उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम उन्होंने कर रखा है, वो मुझे मिल गए। मगर एक किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके खेती से क्या पका सकता है, कैसे पका सकता है और खेती को कैसे फायदेमंद कर सकता है, उनका एक अनुपम उदाहरण आपके सामने है। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सीधे ही राजनेश कुमार से ही अपने व्यूज आप सुने। मैं राजनेश चंद्र सिंह, सिवान बिहार से रहने वाला हूं। मैं एक पूर्व में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, लेकिन 2015 से मैं सोचा कुछ स्टार्टअप करने का। अपने भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी की जाए, इसको मैंने चैलेंज मानते हुए उस पे काम करने की कोशिश की। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कुछ प्रगतिशील किसान है जो यहाँ भी उपस्थित है, इन लोगों के साथ जुड़ करके हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हमने अपना उपक्रम चालू किया और आज के डेट में हम लोग 250 बीघे के एक फार्म में यहाँ पे दादरी के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे 100% केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री प्राकृतिक खेती होती है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हमारे साथ 100 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ऑर्गेनिक उत्पादित कर रहे हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि आज के डेट में हम लोगों ने जो भी किसान के प्रोडक्ट हैं उनको मंडी के भाव से 3 गुना तक मूल्य दे रहे हैं। जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है, हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है उस पैसे का ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग जो खर्च होता है उसको निकाल के डायरेक्ट फार्मर को ट्रांसफर करते हैं। और यही कारण है, मिडिल मैन को माइनस किया, डायरेक्ट फार्मर के प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दिया और आज किसान को उसके तहत 3 गुने, किसी किसी प्रोडक्ट में तो हमने अभी 4 गुने तक उनको उत्पाद का मूल्य दिया। और हमारे साथ जो किसान हैं, कुछ यहाँ किसान भी उपस्थित हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, ये दादरी तिलपता के प्रधान हैं, यहाँ राजारामपुर के प्रधान आए हुए हैं। इन लोगों ने प्रेरणा ली हुई है कि नहीं, जो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी जो प्रदूषित हो गई है उसको हम लोग स्वस्थ करके रहेंगे, ये रीजन को मानते हुए इन लोगों ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किया। जो भी इनपुट है, इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट में भी हम इतनी ख्याल रख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ गाय की गोबर, गोमूत्र ये सब यूज करें। हम लोग जो भी कीटनाशक बना रहे हैं, सारे चीज, सारे उपक्रम हम लोग अपना किसान के फार्म में ही तैयार करते हैं। उस उत्पाद को कैसे सस्ते से सस्ते पैसे में उगा सके, इसकी हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और इसका रीजन है कि आज किसान बड़े खुशहाल हैं। सुनिए
100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम चैनल और इस खूबसूरत एफएम चैनल के जरिए हम आपके लिए लाते हैं कृषि से संबंधित एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसान की बात। कार्यक्रम किसान की बात में आज आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे साथी संजय। ज्योत्सना, हम आज बात करेंगे रसीले, मीठे और स्वाद से भरे फल देने वाले वृक्षों की, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत मौसम और बाजार के साथ करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा संजय आपने, और मौसम और बाजार की जब हम बात करते हैं तो ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध होता है कृषि से। अब बताते हैं अपने श्रोताओं को आज का तापमान। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, जबकि मौसम साफ होने के कारण दिन में पारा अधिक रह सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए और तापमान के बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, हिसार उन्नत, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई हेतु खेतों में गोबर की सड़ी खाद डालकर तैयार खेतों में बुआई करें। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। फ्रेंच बीन, लोबिया आदि की सीधी बुआई के लिए वर्तमान में तापमान अनुकूल है। किसान उन्नत बीजों को किसी भी प्रमाणित स्रोत से प्राप्त करें। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई समतल क्यारियों पर कर सकते हैं और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई नाली बनाकर मेढ़ों के बीच में करें। रोपाई के बाद सिंचाई करें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर इमिडा क्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डालकर किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि यानी 1 ग्राम प्रति लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर के फलों को फल छेदक कीट से बचाने के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं और कीट से खराब हुए फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन प्रपंच 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं और ल्योर को 15 दिनों बाद बदल दें। तो ये था आज का मौसम का हाल और कृषि परामर्श। चलो पगडंडी से मंडी। और आइए अब आपको जानकारी दें प्रति किलो की दर से क्या हैं फल और सब्जियों के भाव। चीकू 25, अंगूर 65, किन्नू 26 और तरबूज 13 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं सब्जियों की बात करें तो बीन्स 30, बैंगन 12, मेथी 15 और मटर 25 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। अब संजय आते हैं आज के हमारे विषय पर। जी हाँ ज्योत्सना, हमारी जिंदगी में फलों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। अलग अलग मौसम के फल हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, तो उनमें मौजूद विटामिन, फाइबर, ये सब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी, और अगर बचपन से किसी बच्चे को अच्छे फलों का सेवन करवाया जाए, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ मौसमी फल, अगर दिन में एक फल का भी हम सेवन करते हैं तो वो जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो बरकरार रहती है, बढ़ती रहती है और हमेशा किसी भी बीमारी या महामारी का सामना करने के लिए हमारा शरीर हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। आम लोगों के लिए फल तो जरूरी है ही, साथ ही साथ देश के किसान फलों के उत्पादन के जरिए अपना जीवन भी चलाते हैं, यानी इससे हमारी सेहत भी बेहतर होती है, तो किसानों की आमदनी का ये एक स्रोत भी है। तो हमारा आज का जो विषय है वो इसी से जुड़ा है कि फल देने वाले पौधों का प्रबंधन या रखरखाव कैसे किया जाए। जी, और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर VB पटेल। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रभावित है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने या गमछे या रुमाल से मुंह को ढकें तथा 2 गज की दूरी एक दूसरे से जरूर बना करके रखें। जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। अब बात करते हैं कि फल के बागों में क्या क्या कार्य किए जाएं जिससे कि फल के बाग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और उनसे अच्छी पैदावार भी हमें मिले। तो सबसे पहली बात आपको कहूँगा कि आम में तब देखेंगे कि थ्रकनोज एक जो बीमारी होती है फलों पे लगी होती है तो फलों को जल्दी सड़ा देती है।
तो जिस किस्मों में थोड़ा कलर की प्रॉब्लम आती है, कम आता है, जैसे चौसा है हमारा, लंगड़ा है, तो जब तुड़ाई करें थोड़ा आम का जो डंडी होती है उसको रखें और डिथरल करीब 1.2 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल करके, जो कि पानी 52 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कहते हैं, उसे 5 मिनट तक अगर डुबो दिया जाए तो इससे क्या होता है, फल की मक्खी के अंडे भी मर जाते हैं और कलर भी बड़ा अच्छा आता है। कभी कभी एंथ्रेक्नोज का अगर प्रकोप ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि इसी घोल में कार्बन डाइजिम करीब 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला दिया जाए तो एंथ्रेक्नोज से जो धब्बे धब्बे लग करके फलों में सड़न होती है वो भी नहीं होती है। तो ये कार्य किया जा सकता है। खरपतवार थोड़ा हटा दें और कभी भी आप तना है उसमें फर्टिलाइजर मत डालें, तने से करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर की दूरी छोड़ दें और फिर करीब 1.5 फीट का एक चौड़ा और करीब 20 सेंटीमीटर करीब 9 इंच के आसपास गड्ढा खोद लें चारों तरफ रिंग के माध्यम से और उसमें ही आप ये खाद को अच्छे से मिला लें, थोड़ा गोबर खाद भी मिला लें, नहीं तो मिट्टी में मिला करके ढक दें। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे जो पौधों की खाने वाली जड़ें होती हैं इस जगह पे ज्यादा होती है तो पौधों को आसानी से मिल जाता है। अब दूसरी बात आती है कि रोग और कीड़े भी आम के बागों में या अमरूद के बागों में या अंगूर के बाग हैं उसमें सब में दिखाई पड़ते हैं, नींबू वर्गीय फलों के बागों में, तो उन कीड़ों का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आम में देखेंगे तो शूट बोरर लीफ कटिंग बीविल लगता है, तराई जो रीजन है हमारा वहाँ पे अगस्त के महीने में शूट गाल बोरर आता है, खास करके जो हमारा एरिया उत्तराखंड में जो आम के एरिया है वहाँ पे कीट ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आपको डाइमेथोएट का प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से अगर कर लें तो इससे जो कीड़ा होता है मर जाता है। और एंथ्रेक्नोज इस वक्त भी काफी हद तक आता है और रेड रस्ट भी बीमारी काफी आती है। एंथ्रेक्नोज तो लगभग सभी फसलों में आता है, तो एंथ्रेक्नोज के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवाई 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें तो एंथ्रेक्नोज का नियंत्रण काफी हो जाता है। अगर फिर दिखे तो फिर दोबारा उसको रिपीट कर दें। अब बात आती है कि हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल दूरी है आम के बागों के लिए वो 10 मीटर 10 मीटर पे होती है और जो हमारी नई किस्में हैं जो पूसा से विकसित की गई हैं, चाहे पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा पीताम्बर, पूसा लालिमा, ये सब किस्में को कहते हैं हम लोग मध्यम दूरी पे लगाइए, 6x4 मीटर की दूरी पे लगाइए या 6x6 मीटर की दूरी पे लगाने के लिए उपयुक्त है। तथा हमारी सघन बागवानी के लिए किस्म है आम्रपाली या मल्लिका, जिसको हम लोग 2.5 मीटर पे भी लगाने के लिए कहते हैं। अगर लगता है कि वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आप थोड़ी दूरी और बढ़ा करके 5x5 मीटर पे लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों ने रेखांकन कर लिया होगा। तो उसमें ऊपर की मिट्टी एक तरफ रखते हैं, नीचे की मिट्टी एक तरफ। जो ऊपर वाली मिट्टी है उसमें करीब 25 से 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और अगर दीमक की समस्या है तो क्लोरपाइरीफास सोड भी थोड़ा उसमें मिलाते हैं। और मैं कहूँगा कि जो पौधे जो ले आ रहे हैं वो देखें कि जहाँ से ग्राफ्टिंग है वहाँ से सीधे हों और नीचे जो रूट स्टॉक है जहाँ से ग्राफ्टिंग हो उसके नीचे देखें फुटाव न लिया हो और ये सीधा हो पौधा, ज़्यादा फुटाव वाला पौधा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और कहूँगा कि आप नए किस्मों का प्रेफरेंस करें, जैसे आम में आम्रपाली, मल्लिका, बाकी किस्में बताई जैसे मैंने पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा पीताम्बर, पूसा लालिमा, CISS लखनऊ के द्वारा विकसित की गई कुछ किस्में हैं उनको लगाया जा सकता है। अमरूद के लिए जैसे है वहाँ की किस्में ललित, श्वेता, लालिमा, धवल, इसी तरह से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से बंगलोर से अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का पूर्णा, इन सब किस्मों को लगाया जाए। पपीता अगर लगाना है तो पूसा डॉर्फ लगाएं, पूसा नन्हा लगाएं, पूसा डिलीशियस लगाएं, अर्का प्रभात लगाएं, अर्का सूर्या लगाएं, त्रिपुरा पपीता एक लगाएं, रेड लेडी भी बहुत किसान पसंद करते हैं तो रेड लेडी भी लगा सकते हैं। नींबू के लिए है पूसा विनो है, पूसा उद्दित है, मौसमी जिसको स्वीट ऑरेंज हम लोग बोलते हैं, इसमें पूसा राउंड है, पूसा शरद है। तो जो नई किस्में हैं उनको लगाने से एक तो आम में खास करके रेगुलर फलन मिलती है आपको, दूसरे जो फल के बाग बताए उसमें भी आपको अच्छा फल मिलता है। और खास करके अमरूद जैसे एक किस्म है, लाल किस्में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और जो कि हेल्थ को हमारे बनाए रखने में काफ़ी मदद होता है। उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि हमें रोगरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। तो इन बातों का नए बाग लगाने के वक्त ध्यान दें तो हमको लगता है कि पैदावार अच्छी होगी। अब नए जो पौधे हैं उनको भी देखभाल की जरूरत होती है,
खास करके अगर देखेंगे कि आम में लीफ कटिंग वीविल लग जाता है, वो पत्ती देखेंगे कि काट के पूरा जो नए नई पत्तियां आती हैं काफी रेड लीफ कलर की, तो उसको क्या हुआ लगेगा चाकू से काट के गिरा दिया है। तो इस लीफ कटिंग वीविल और शूट बोरर इनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड जो कॉन्टेक्ट नेचर का है उसको आप अगर प्रयोग कर लेंगे तो इससे निजात मिलेगी आपको और आपके पौधे बढ़ते रहेंगे। एक बात और बोलना चाहूंगा अमरूद के बागों में। अमरूद के बागों में क्या होता है कि बिल्ट की एक बड़ी समस्या होती है, उकठा रोग। तो जिन बागों में घास हो जाता है तो अमरूद के बागों में अगर ट्रैक्टर चलाते हैं तो बिल्ट का जो रोग के कण है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो जो स्वस्थ पौधे हैं उनकी जड़ों को भी पहुंच जाते हैं। दूसरे चीज जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो जड़ों को हम थोड़ा घाव पहुंचाते हैं तो वहां से इनको एंट्री करने का मौका मिलता है। तो ट्रैक्टर को चलाना अवॉइड करें, जरूरत है तो घास को नियंत्रण करने के लिए अगर जरूरत है तो कोई अच्छा कोई हर्बिसाइड का प्रयोग करें जिससे कि घास भी मर जाए और अमरूद का मिट्टी को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत न पड़े। तो हमको लगता है कि अगर इन छोटे छोटे बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी और जो हमारे फल हैं उनका बाजार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इन्हीं के साथ आपको कहूंगा मैं कि आप स्वस्थ रहें, फल के वृक्षों को भी स्वस्थ रखें, आप भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबको, नमस्ते। फल देने वाले पौधों का प्रबंधन कैसे किया जाए, अभी आपने इस विषय पर जानकारी ली डॉक्टर वी बी पटेल से। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब संजय, बारी है कार्यक्रम में थोड़े से मनोरंजन की। जी हाँ, हमने मीठे रसीले फलदार वृक्ष की बात कर ली तो जाहिर सी बात है इसका स्वाद हम सबकी जुबान में तो आ ही गया है, लेकिन इसके साथ अगर हम अपने श्रोताओं को एक लोकगीत सुना दें तो मनोरंजन का जो ये डोज है वो दुगुना हो जाएगा। भारत के तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम सुनते हैं कार्यक्रम में लोकगीत। बन्ना रे बाग में झूला गालिया, बन्ना रे बाग में झूला गालिया, मारी बनी ने मारी लड़ी ने मारी बनी ने झूलन दीजे, बना गेंद गजरा मारी बनी ने झूलन दीजे, बना गेंद गजरा, बना रे बागा में झूला गालिया, बना रे बागा में झूला गालिया, मारी बनी ने मारी लड़ी ने मारी बनी ने झूलन दीजे, बना गेंद गजरा मारी बनी ने झूल दीजे, बना गेंद गजरा, बना रे बाग में झूला गालिया, बना रे बाग में झूला गालिया, मारी बनी ने मारी लड़ी ने मारी बनी ने झूलन दीजे, बना गेंद गजरा मारी बनी ने झूलन दीजे, बना गेंद गजरा। मारी लड़ी के मारी बनी के मारी लड़ी के रखड़ी लाजो, बना गेंद गजरा
मारी बनी के रखड़ी लाजो बना गेंद गजरा बना रे जयपुरिया थे जाजो बना रे जयपुरिया थे जाजो मारी लड़ी के मारी बनी के मारी लड़ी के रखड़ी लाजो बना गेंद गजरा मारी बनी के रखड़ी लाजो बना गेंद गजरा बना रे बाग में झूला गालिया बना रे बाग में झूला गालिया मारी बनी के मारी लड़ी के मारी बनी के झूलन दीजे बना गेंद गजरा मारी बनी ने झूलन दीजे बना गेंद गजरा बना रे कोटा बूंदी जाजो बना रे कोटा बूंदी जाजो मारी बनी के मारी लड़ी के मारी बनी के ले रो लाजो बला गेंद गजरा मारी बनी के ले रो लाजो बला गेंद गजरा बना रे कोटा बूंदी जाजो बना रे कोटा बूंदी जाजो मारी बनी के मारी लड़ी के मारी बनी के ले रो लाजो बना गेंद गजरा मारी बनी के ले रो लाजो बना गेंद गजरा। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ संजय और मेरे साथ हैं ज्योत्सना। अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ जिसमें फलदार वृक्षों के प्रबंधन से संबंधित हमने अपने किसानों से बातचीत की है तो उनके बातचीत के आधार पर जो कुछ भी सामने आया है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आइए करते हैं हम अपने किसान मित्र से बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं किसान भाई। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। परिचय दीजिए अपना। राम मेहर पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और एक वहाँ का एक किसान हूँ खाई निवासी। राम मेहर जी, खेती तो करते हैं साथ साथ बागवानी भी करते हैं क्या? हाँ, खेती भी करते हैं और उसके साथ बागवानी भी है। हमारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं कम से कम 5 या 6 बीघे में हमारे पास जामुन के पेड़ हैं जो बागवानी भी करते हैं, आम के भी पेड़ हैं और अमरूद के भी पेड़ हैं। अमरूद, आम और जामुन के पेड़ आप लगाते हैं, तो इसके अलावा और भी फलों के पौधे लगाने की कभी आपने सोची? नहीं, अभी अलग तो नहीं लगाते क्योंकि कई बार होता है जैसे मौसम में होता है। अभी जैसे अब इसमें फल देते हैं तो वही ज्यादातर जामुन का और हमारा जो आम का और अमरूद का यही पौधे हमने लगाए, बाकी तो ऐसा नहीं लगाया। कई बार की दूसरा पौधा ज्यादा लगाया जाए तो वही ज्यादातर हम इन्हीं लगाए। पौधा आप खुद तैयार करते हैं या हमेशा नर्सरी से ही लेकर आते हैं? नहीं, नर्सरी से लेकर आते हैं हम। बड़े बड़े जो पेड़ हो जाते हैं उनको कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है और बरसात के माध्यम से उनकी सिंचाई किस हद तक हो जाती है? अभी हम जो पौधा लगाते हैं, जो हम पौधा छोटा होता है तो उसमें सिंचाई की और उसकी केयर ताकि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे की तरह ही उसका ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई भी जानवर या उसको नुकसान ना पहुंचा दे और उसमें सिंचाई का भी प्रॉपर बारे बारी से टाइम के अनुसार ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है, बागवानी भी हम वहीं पे करते हैं, वहीं पे बहुत बढ़िया रहता है जहाँ पे जमीन के नीचे पानी बिल्कुल गहरा है या फिर पानी खराब है या फिर जहाँ पे बंजरीला कोई ऐसी उपजाऊ कम भूमि है तो वहाँ पे हम बागवानी का सबसे बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है ना, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। जब पौधा बड़ा हो जाता है, छोटे पौधे में तो हमें सिंचाई देनी पड़ती है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है पानी की वो अपने आप उसमें सोख लेता है और जब वो फल देता है तो फल देने से पहले हमें एक निश्चित सिंचाई की जरूरत होती है ताकि उस पे कोर और फल है छाए और स्वस्थ है। कीड़ा हमारा तभी लगता है मौसम के अनुसार, जो हवा पे उसके एटमोसफेयर पे बहुत डिपेंड करता है। बागवानी की जो खेती है वो मौसम पे ही डिपेंड करती है, वो नॉर्मल वैसे नहीं होती जैसे हम गेहूं की करते हैं तो
उसमें कम फर्क पड़ता है, लेकिन जो बागवानी है फल है वो मौसम पे बिल्कुल रेगुलर डिपेंड। अगर मौसम अच्छा है तो उसपे कोर भी अच्छा आएगा, उसका फल भी स्वस्थ रहेगा और उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। लेकिन मौसम अगर थोड़ा सा डगमगा जाए तो उसमें फिर कोर भी नहीं आता और जिसमें फल होता है वो भी पूरा अपना विकास नहीं हो पाता और उसमें कीड़ा भी लग जाता है। सबसे ज्यादा चांसेस कीड़े के रहते हैं कि जैसे हवा चलती है पूर्व से पश्चिम में, हवा चलती है परवा जिसको हम बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं परवा हवा, तो उसमें ज्यादा नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसमें ज्यादा कीड़े को पनपने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और वो क्या वो ग्रोथ करता है। तो परवा में जब हवा चलती है तो उसमें कोई फल हो, सब्जी हो या कोई धान वगैरह की जो भी खेती है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें सूंडी वगैरह या फिर जैसे फल में कीड़ा वगैरह लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब पछुआ हवा चलती है, पछुआ हवा में क्या होता है ना, वो ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें क्या होता है कि कीड़े को पनपने के चांसेस कम रहते हैं, उसको नमी नहीं मिल पाती और जो फल है वो भी स्वस्थ रहता है और उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है और पैदावार भी अच्छी होती है। कृत्रिम रूप से आप क्या क्या प्रयास करते हैं? ये तो आपने बताया कि पूरी तरह मौसम से ही फल फलता फूलता है ये हम कह सकते हैं, लेकिन कई बार अगर मौसम ने किसान का साथ नहीं दिया तो वो कृत्रिम रूप से अपने प्रयास से वो क्या कर सकता है कि जैसे फल जो है पेड़ों का अच्छा हो जाए? जैसे अमरूद पे लगा लीजिए, अमरूद पे क्या होता है ना, अमरूद का पेड़ छोटा होता है, उस पर हम क्या होता है ना स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कोई दवाई का कीटनाशक दवाई है, जैसे उस पर कोर आया और जब फल लेने से पहले अगर उसमें हम कीटनाशक का थोड़ा ज्यादा नहीं कम मात्रा में उसका थोड़ा सा कीटनाशक का कर दे तो उसमें क्या होता है ना अमरूद में कीड़ा नहीं लगेगा और उसका जो हमने कीटनाशक का जो प्रयोग किया समय के अनुसार वो भी जैसे एक दो बारिश उस पर आएगी तो उसका असर कम हो जाता है। आम में भी, आम बहुत बढ़िया फल है, फलों का राजा आम ही है। आम में जब होता है तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है, आम में कीड़ा होता है, आपने बताया कि नीलम में जैसे कीड़ा लगता है, तो आम क्या होता है जब पक जाता है, पकने के बाद जब टाइम उसका और हो जाता है और वो पकने के बाद फिर वो सड़ने लगता है तभी उसमें कीड़ा पनपता है, बाकी जब फल कच्चा होता है उसके पकने तक उसमें कोई भी कीड़ा नहीं होता। या कई बार शॉप पे चला गया, दुकान पे वो नहीं बिका या किसी बाजार में उसको अंदर रख दिया, उसका टख रखाव अच्छे से नहीं किया और उसमें वो सड़ना चालू कर दे तब उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, बाकी उसमें कीड़ा कच्चा जब होता है या उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, कोई भी फार्म का फल हो। फल का रखरखाव करना और फिर उसकी पैकिंग करके उसको व्यापार के लिए उसके गंतव्य तक भेजना, ये काम कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसको आप कैसे करते हैं? ये काम लास्ट का स्टेज का काम है और ये सबसे टफ काम होता है। इसमें जैसे किसी भी फल को हम तोड़ते हैं उसको मौसम के हिसाब से ही तोड़ते हैं, जैसे बारिश के मौसम में अगर हम उसको तोड़ेंगे तो फल भी गीला रहता है, उसकी पैकिंग में पानी अगर रहेगा तो उसके सड़ने के चांसेस ज्यादा है, और बारिश के मौसम में उसको ले जाके जाना क्योंकि रास्ता कच्चा होता है खेत में जब होता है तो उसको लेके जाना ट्रेवलिंग में भी काफी दिक्कत आती है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं मौसम सबसे डिपेंड करता है। जैसे ड्राई मौसम सुबह मॉर्निंग के टाइम में हम उसको फल को तोड़ते हैं जिससे उसको पहुंचाने के लिए फल ना खराब हो, ना उसको टाइम ज्यादा लगे और उसको मार्केट तक ले जाने में उसको सुविधा रहती है। तो आपने आज हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है राम मैड जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये थी आज के कार्यक्रम में होने वाली हमारे किसान मित्र से बातचीत। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान मित्र ने जो भी अनुभव आपसे साझा किए उनका फायदा आप भी जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम किसान की बात में आप अपने विचार, अपने अनुभव या फिर हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप हमें kkbongold@gmail.com पर मेल करके अपनी तमाम जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उनका समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ समय हो गया है अपने श्रोता मित्रों से विदा लेने का। संजय, हम अनुमति चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि यदि उनके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई शिकायत होगी तो वो हमसे जरूर साझा करेंगे। हमारा कार्यक्रम इसी तरह नियमित रूप से सुनते रहेंगे। जी हाँ, तो अब वक्त हो गया है कि अपने श्रोताओं को हम अलविदा कहें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से कार्यक्रम किसान की बात सुनते रहेंगे, उसे प्यार देते रहेंगे, हमें सराहते रहेंगे और तमाम तरह की जानकारियां हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब मैं संजय और ज्योत्सना आप सबसे लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से
जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है